चंद्रयान 3 पर सारे देश की नजरें टिकी हुई हैं, पल पल की खबरें चल रही हैं। अब बस इंतजार है तो बस इस बात का कि कब चंद्रयान 3 चांद पर कदम रखेगा। इसके लिए विक्रम लैंडर भी अलग हो गया है और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। पर अब उससे भी एक बड़ी खबर आई है। पहले बता दें कि 17 अगस्त 2023 को जो प्रोपल्शन मॉडल विक्रम लैंडर से अलग हुआ था, पहले उसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई जा रही थी, लेकिन अभी वो कई सालों तक काम कर सकता है। ये दावा इसरो ने किया है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक इसरो का चंद्रयान 3 मून मिशन अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। उसके विक्रम लैंडर को 3 दिन बाद चांद के दक्षिण ध्रुव के आसपास लैंड करना है, लेकिन 3 दिन पहले ही वह अपने सार्थ यानी प्रोपल्शन मॉडल से अलग हुआ था। बीते 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के 2 हिस्से अलग हुए। प्रोपल्शन मॉडल को छोड़कर विक्रम लैंडर भी आगे के रास्ते पर चल दिया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तब प्रोपल्शन मॉडल में 1696.4 किलोग्राम फ्यूल था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉडल के सहारे भी पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदली गई, 6 बार इंजन को चालू किया गया ऑर्बिट करेक्शन को मिलाकर, जिसके बाद बताया गया कि इसके बाद चंद्रयान 3 चांद के हाईवे पर गया यानी ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में पहुंच गया। फिर चंद्रमा के चारों तरफ 6 बार प्रोपल्शन मॉडल का इंजन चालू हुआ। कुल मिलाकर 1546 किलोग्राम फ्यूल खत्म हुआ। बता दें कि पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार प्रोपल्शन मॉडल के थ्रस्टर्स को ऑन किया गया, तब 793 किलोग्राम फ्यूल था। अब इसके बाद हुआ ये कि चांद के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट को घटाने के लिए थ्रस्टर्स यानी इंजन को ऑन किया गया, तब 753 किलोग्राम फ्यूल लगा। कुल मिलाकर 1546 किलोग्राम फ्यूल की खपत हुई। अब बचा हुआ 150 किलोग्राम फ्यूल यानी कि 3 से 6 महीने तक ही काम नहीं करेगा। इस बारे में इसरो ने बड़ी जानकारी दी कि ये अब सालों तक काम कर सकता है। जाहिर है कि आज सुबह खबर आई कि चंद्रयान 3 चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर दूर है। लैंडर मॉड्यूल 30 अगस्त को शाम के करीब 6:45 बजे चांद की सतह पर उतर सकता है। इस बारे में इसरो ने कहा कि अब मॉड्यूल की आंतरिक जांच की जाएगी और इसके बाद ही निर्धारित लैंडिंग स्थल यानी जहां विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी वहां पर सूर्योदय का इंतजार भी करना होगा। तो वहीं बीते दिनों वैज्ञानिकों ने चंद्रमा 3 के प्रोपल्शन मॉडल और विक्रम लैंडर को अलग किया था। अब विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सफलता से उतारने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि यही काम इस मिशन का सबसे कठिन है और जब तक लैंडर चांद पर नहीं उतरता तब तक हर भारतीय यही जानने में लगा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।